नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह प्रयोग बहुत ही खास होने वाला है। यह प्रयोग किसी भी दो इंसान के बीच चल रहे मन मोटाव को, चल रही नाराजगी को खत्म कर देता है और वह दो लोग फिर से करीब आ जाते हैं। एक ऐसा शक्तिशाली उपाय जो कोई पति अपने पत्नी के लिए, पत्नी अपने पति के लिए, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए, भाई बहन हो या कोई भी संबंध हो, यह उपाय सामने वाले के ऊपर, जिसके लिए भी आप यह उपाय करेंगे, उस पर ऐसा असर करता है कि वह इंसान सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहता है। दोस्तों, यह बहुत ही सरल सा उपाय होने वाला है। इसे जब आप करेंगे तो सामने वाला इंसान, जिसके लिए भी आप इसे कर रहे हैं, वह आपके लिए तड़प उठेगा, आपको याद करने लगेगा। सोते जागते, उठते बैठते केवल आप उसे याद आने लगोगे। वह अंदर से इतना ज्यादा बेचैन हो जाएगा कि उसे आपके पास आना ही पड़ेगा। वह खुद आकर के आपके सामने हाथ जोड़ेगा, आपके कदमों में गिरेगा, आपसे नाराजगी दूर करेगा और हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ जाएगा। दोस्तों, यह उपाय जितना सरल है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली और चमत्कारी है। इस प्रयोग को करने के बाद आप इसका प्रभाव पहले दिन से ही देख लेंगे। जैसे ही आप इसे करेंगे, आप देखेंगे यहाँ आपने यह उपाय किया है और वहाँ सामने वाले इंसान पर इसका असर होना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं या आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई के माध्यम से भी आपको बता देंगे। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। तो मित्रों, उपाय शुरू करने से पहले हाथ पैर अच्छे से धोकर स्वच्छ हो जाएं। अगर आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। स्नान करने के बाद एक स्थान पर कोई भी आसन ग्रहण करके, यानी कोई कपड़ा बिछा करके बैठ जाएं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ करके ही बैठना है। दोस्तों, जब आप बैठेंगे तो अपने साथ आप चार चावल के दाने ले लीजिए। सफेद चावल हो, लंबा दाना हो और चावल टूटा हुआ या टुकड़ा ना हो। आपको इन चावल के दानों को किसी भी पात्र में रख देना है, जैसे कटोरी में रख सकते हैं, चम्मच में रख सकते हैं या किसी भी पात्र में रख सकते हैं। जब आप उपाय शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने हाथ जोड़कर उस व्यक्ति को याद करें जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। जब वह ठीक से आपके ध्यान में आ जाए तो इन चार चावल के दाने को उठाना है और अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर मुट्ठी बना लेनी है, जिस तरह से हम वीडियो में दिखा रहे हैं, ठीक आपको ऐसे ही मुट्ठी बना कर के रखना है। अब आपका जो दूसरा हाथ है उसे अपने मुट्ठी के ऊपर रखना है और उसके बाद आंखें बंद करके उस व्यक्ति को स्मरण करते हुए इस शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करना है, ओम त्रि त्रि उन अमुक कुरे कुरे वस्यः। दोस्तों, अमुक के स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं। इस मंत्र का उच्चारण आपको केवल 3 बार ही करना है। उसके बाद आप आंखें खोल करके अपने हाथ को हटा लेंगे, यानी जो आपका उल्टा हाथ है उसे हटा लेंगे। इसके बाद उसी से हाथ में जो 4 चावल के दाने हैं, उन दानों को इसी अवस्था में मुट्ठी में बंद ही रहेगी और आपको खड़े हो जाना है और घर से बाहर निकल जाना है और चारों दानों को एक एक करके उल्टे हाथ से नीचे गिरा देना है। लेकिन जब आप चावल गिरा रहे हो तब भी आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस कार्य को घर के छत पर भी जाकर के कर सकते हैं। बस आपको ऐसे करना है कि कोई आपको ना देखे। दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपको अपने हाथ पैर अच्छे से धो करके घर के अंदर चले आना है और यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद सामने वाला व्यक्ति आपके लिए दिन रात तरसने लगेगा। वह केवल आपके बारे में ही सोचेगा और खुद आपको मनाने के लिए आएगा। बस आपको पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करना है और बिना किसी स्वार्थ भाव से करना है, तभी जाकर के यह आपके लिए बेहतर कार्य करेगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।